अंदर कहलाते थे, लेकिन राजपूत में भी जो है हर एक का एक फंक्शन हो रहा था। कोई जो है कि ज़्यादातर आर्मी के अंदर ही थे, तो कोई खुद लड़वैया था, कोई उसके अंदर जो है कि चढ़ाने के लिए जो है गाने गाते हैं ऐसे, तो इसलिए उनको अलग-अलग अलग नाम दिए हुए थे ट्राइब के अंदर। ये चौहान है और ये अपने कहीं के भी भाटी, ये भाटी है, इस तरह से सब थे। ऐसे कोई 14 ऐसी ट्राइब वगैरह थी, और ट्राइब का मामला हमेशा ये रहता था कि भी ट्राइब का हेड रहता था। तो जहाँ तक कि बलवा जी की जो है ये उसी ज़माने से लिखते आए हैं, और वो जो है एक फैमिली ट्री की तरह लिखी हुई, मतलब अपने अगर हमारा नाम उसके अंदर डाला हुआ है तो वो उसके दादा बाप दादा आगे कैसे थे, वो ऑल द वे प्योर किताबें लिखी हुई है सीन्स में। तो किताबों के मुताबिक वो कहते किला जी जो है फिरोज़ शाह तगलक के ज़माने के अंदर मुस्लिमों से वो मुतासिर थी पूरी ट्राइब, और ख़ास तौर पर ये उनका चलन दोनों तरफ था, हिंदू में भी थे और इधर जो सूफी वगैरह थे उनसे भी मुलाकात उनकी रहती थी। तो फिर जो है कि उनको मुसलमान जो फिर उसका तगलक ने थे, उनकी बादशाह की सोबत में भी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्या लगा रखा है, इसकी वजह जो है कि आप एक तरफ हो जाए इधर ही उधर, और आपके लिए ये दीन इतना अच्छा है और हमने देखा है कि भाई इतना आप रिस्पेक्ट करते तो क्यों इसको अपना नहीं लेते। तो किला जी ने कहा कि अच्छा मैं कल जाऊँ। अब वो कल का जो है उसी वक्त वो शहादत लेने के लिए तैयार थे, लेकिन कल का वक्त उन्होंने इसीलिए किया कि वो ट्राइब से पूरी बात करना चाहते थे कि भाई ये दरख्वास्त है और हमें ये अपना लेना चाहिए इस्लाम। तो वो बात और सब ट्राइब जो है लीडर को जो है कि काफ़ी ने उनको मान लेते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने किया कि आप जैसे भी मुनासिब समझे हम सब तैयार। तो पूरी ट्राइब जो है उस वक्त जो है मुसलमान हो गई, उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया। अब जो है कि एक काम जो था ना उनका, वो लड़ना नहीं ही था, और आर्मी के अंदर उनका ना तो एक अजम को शहादत लिया ले गई। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये हथियार जो है वो आप रख दें, इसको ये अमन वाला मजहब है, इस लिहाज से जो है कि ये चीज़ जो है सिर्फ उस लिहाज से है कि भाई जब कोई अटैक करे वो अपने हिफाजत के लिए लड़ें, वो इस्लाम सिखाता है, लेकिन यूँ कि ये पेशा बना लेना ये कोई बात नहीं है। और वैसे भी ट्राइब के अंदर झगड़े में ऐसे एक ट्राइब से दूसरे होते रहते हैं, इस्लाम के अंदर ये है। तो कह के ये अच्छा हम हथियार तो रख दें लेकिन हम करेंगे। उस वक्त से उन्होंने ये कहा कि भाई आपकी कौम के अंदर लोग जो ये जानते हैं कि छापना रंगना करना, तो इसको पेशा क्यों नहीं बना लेते। तो प्रिंटिंग का ने जो जो आया खास करके टेक्सटाइल का, वो उस ज़माने से है, वो छापना मतलब प्रिंट करना उस पर से छिपा, तो वो पूरी कौम को जो है प्रिंटिंग का बिजनेस हुआ तो उनको भी छिपा नाम से पुकारा है। बाद में जो है कि वो राजस्थान से जो है मध्य प्रदेश में निकल गए, ज़्यादा से ज़्यादा आबाद हुए अहमदाबाद के अंदर, तो वो छंट गए हर एक जगह पे अलहदा अलहदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे छिपा के अंदर। लेकिन ये इनकी तारीख रखने के लिए खास छिपा की जो है आज तक मौजूद है कि लोग उनमें हिंदुओं ने इन्हें तो उसको रखा है, लेकिन बाकायदा जो है कि जब कोई शादी ब्याह होती थी तो फैमिली वाले बुलाते थे, उसके अंदर आगे उनका पूरा वो पढ़ाई करते थे कि कौन आगे आगे तुम्हारे बाप दादा थे, उनके नाम के साथ उनकी फैमिली के अंदर कितने कितने बच्चे थे सब का हुआ। फिर उस शादी के अंदर दूसरे जो बच्चों का नाम नहीं था तो बाद के बच्चों का उसके अंदर, और बाहर दूसरे वक्त इस तरह से बाकायदा चलता रहा। तो अभी तक ये मौजूद है। अब ये बात हो गई है कि भाई ये एक ख़त्म सिलसिला होने वाला था, क्योंकि अब लोगों को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, और कई लोग तो जानते भी नहीं है कि ऐसे ही रखते हैं। अब जबकि उनका बुलाना बंद हो गया तो वो जो है कि उनकी रोज़ी का मसला था, ये तो कि बाप दादा से जो है उनको पैसे भी जब लोग आते थे तो उनको अच्छा
रिवॉर्ड दिया जाता था जब लिखवाते थे या सुनते थे, लेकिन अब कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। तो लंबे अरसे से ये जो है अब एक चीज़ ख़त्म हो जाने वाली। तो जमात कमेटी ने ऐसे डिसाइड किया कि भी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो बेहतर है कि इसको अपने हस्तक लिया जाए, और जो है उन्होंने फिर जो है कि इसको कंप्यूटराइज करने का डिसाइड किया है। तो वो काम जारी है, और उसी के सिलसिले के अंदर जो कुछ वो लोग बरवा कहलाते हैं, मतलब जो राजस्थानी मुझे लिखते हैं किताबें, तो उसको बरवा कहते हैं, वो लोगों से बिठा के फिर जो है पूरी टॉपिक जो है पूछ के आगे की जो है उसे उन्होंने समझ जमात कमेटी ने कंप्यूटराइज करके ये चीज डाली। तो समझ जमात छिपा समझ जमात अगर इसकी वेबसाइट है उसके अंदर चले जाएं तो काफ़ी अच्छा मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ है, और वेरी मच इन डिटेल। एक खुशी की बात यह है कि जैसे कि आज जो ईमेल आई है उसकी एक वजह कह दूँ कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारी नस्ल को भूले नहीं है। हम अपने जिस इलाके से हम निकले हैं अहमदाबाद उसको भूले नहीं, हम छूले नहीं। तो अब जो है वहाँ से ताऊ ढूंढ लगा है, जैसे कि हमने छिपा वेलफेयर वहाँ पे भी छिपा जमात कमेटी के साथ छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी एक नया 1969 में कहीं तो इधारा और कायम किया। छिपा समझ जमात कमेटी तो चाहे हमारे बाप दादा के जन्म से पहले से एस्टाब्लिश थी, लेकिन बीच में जो है नरम गरम चलता था, लेकिन अब जो है वेल एस्टाब्लिश भी है, तो वापस उसको जिंदा किया गया है। छिपा वेलफेयर 1969 के अंदर जो एस्टाब्लिश है उसके तहत के अंदर जो है कि सबसे पहले डिस्पेंसरी थी, फिर बाद में गर्ल्स स्कूल किया है और डेंटिस्ट के अंदर जो किए, हॉस्पिटल भी अपने में अपनी कर दिए, और इलाके के अंदर दूसरी भी डिस्पेंसरी डाली हुई है, और अभी भी जो है एक्सपांसन किया है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक लाइब्रेरी का भी सजेशन किया है, वी हैव स्पॉन्सर ऑल्सो, तो लाइब्रेरी जो है बाकायदा उन्होंने हाई स्कूल के अंदर शुरू कर दी है। तो अब जो है कि यहाँ की अपने जो छिपा फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन, उससे छिपा जमात की बड़ी खुशी हुई है। और एक बात जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेम्बरान जो है वो लोग भी उनके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उनको लगा के हम काफ़ी यहाँ काम भी करते हैं, और हमारा भी जो है कुछ और उनके लिए करने का इरादा है। तो इस लिहाज से जो है कि अब एक नेटवर्किंग भी शुरू हो गया है, जैसे कि ईमेल का सिलसिला है, जैसे फोन का सिलसिला है वगैरह, ये सब तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी है। तो एक बात ये कहनी थी कि अब ये जो आज का दिन मुकर्रर किया है कि 16 अप्रैल को हम इसको छिपा बनाएं, तो हमें होगा कि भाई इसका क्या मकसद है, और जब कोई चीज़ की जाती है और एक याद के लिए कहते तो उसका नाम दे देते कि इसको मनाया जाए, तो फिर क्या है कि उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंसान उसको उसकी अहमियत को समझे और बस एक हफ्ते उसका एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब हुजूर साहब